कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्द उठा तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे के वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहांबानो जहांआरा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने अबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तरक्की याफ्ता कौमें आज अगर चांद पर जा पहुंची हैं और दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रही हैं, तो इसकी वजह चंद गुमनाम लोगों की शबाना रोज मेहनत है। उन्हीं लोगों में से एक बरतानिया का आर्थर मी था। आर्थर मी ने अपने मुल्क के हर तालिबे इल्म के हाथ में इल्म और तहकीक का लाजवाल खजाना थमाने का मुसम्मम इरादा कर लिया और एक दिन उसने ये कर दिखाया। उसने दुनिया में बच्चों का पहला इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया और मुल्क भर में फैला दिया। इस इंसाइक्लोपीडिया ने नई नस्ल के रुझानात और ज़ेहनो किरदार को बदल कर रख दिया। आर्थर मी के इंसाइक्लोपीडिया का पहला तर्जुमा चीनी जुबान में हुआ। इस तरह अमेरिका, यूरोप और चीन के नौजवानों की जिंदगियों का रुख बदल गया। कुछ अरसे बाद ये इंसाइक्लोपीडिया अमरीका के हर बच्चे के बस्ते में पहुंच चुका था। उसके बाद इल्म की तलब और तरक्की की धुन ने एक मुकाबले का समा पैदा कर दिया। मार्केट में एक से बढ़कर एक खूबसूरत, दिलचस्प और मालूमात से भरपूर इंसाइक्लोपीडिया आने लगे और हाथों हाथ बिकने लगे। इन खूबसूरत और दिलचस्प किताबों ने बच्चों का दिल मोह लिया। और फिर वो दिन भी आया जब मगरब में आने वाले इस खामोश इल्मी इनकलाब का तुलू होता सूरज दुनिया भर ने देखा और मगरब ने चांद को तस्खीर करने का ऐलान कर दिया। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. इल्मी वर्से को भूले हुए मुसलमानों को सदियों बाद फिर से ख्याल आया कि इल्मी तरक्की ही नाकामियों से निकलने का वाहिद रास्ता है। वतन अजीज पाकिस्तान में इस मंसूबे पर सबसे पहले सैयद कासिम महमूद ने तने तनहा काम का आगाज किया। इंसाइक्लोपीडिया पाकिस्तानी का, शाहकार इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया और पाकिस्तानी बच्चों का इंसाइक्लोपीडिया जैसे कामयाब इंसाइक्लोपीडिया आप ही ने मुरतब किए। सैयद कासिम महमूद साहब ने जो इंसाइक्लोपीडिया पेश किया वो अपने मवाद और मतन के एतबार से बहुत शानदार था और अपने दौर में उसे बहुत कबूलियत हासिल हुई। उनके बाद किसी फर्द और किसी इदारे ने इंसाइक्लोपीडिया पे काम नहीं किया। आफाक पहला इदारा है जिसने इन बच्चों की इस इल्मी तिशनगी को महसूस करते हुए इंसाइक्लोपीडिया के इजरा का फैसला किया। जनाब सैयद कासिम महमूद साहब की जेर निगरानी 2009 में इस मंसूबे पर काम का आगाज हुआ। उस टीम ने जो पहला इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया वो दो तरफा कार्ड की शक्ल में था। उसके बाद ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ मौजूदा इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में सामने आया, आफाक इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में। आफाक का मकसद बच्चों के इंसाइक्लोपीडिया को कौम के नौनिहालों के लिए ऐसी तफरी बनाना है जिसमें बच्चे इसे एक मालूमाती किताब के बजाय एक दिलचस्प कहानी की तरह पढ़ें। उर्दू की तरवीज के लिए अंग्रेजी की आमेजिश से बचाकर इसे आसान उर्दू में तैयार किया गया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी तवालत से उकता जाते हैं, इसीलिए हर शुमारे को चार औराक
यानी 8 सफात में तैयार किया गया, यानी अब उकताहट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको मुरतब करने के लिए कोहना मश्क अफराद तहकीक व तसनीफ पर मामूर हैं। मेरे वतन के रोशन जहान कर दो, उजाला कर दो, दोबाला कर दो। आफाक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने वाला तालबे इल्म अपने हम असर तलबा से इल्मी मैदान में हमेशा एक कदम आगे रहेगा, क्योंकि इसके हर शुमारे में मौजू से मुताल्लिक जदीद तरीन मालूमात शामिल की जाती हैं। बच्चों के लिए हम जो मवाद तैयार करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि वो नहायत आसान, सहल और दिलचस्प जुबान में हो, ताकि बच्चे उसे शौक से पढ़े। चुनाते जब मैं इंडोनेशिया पर मजमून तैयार कर चुका, तो उसके बाद डान अखबार मेरी नज़र से गुजरा, उसमें एक दिलचस्प खबर नजर आई। खबर यूं थी कि इंडोनेशिया के जजीरा बाली में काफ़ी का एक नायाब पौधा उगता है, और वहाँ पाया जाने वाला सीविट नामी एक जानवर उस काफ़ी का फल बड़े शौक से खाता है। उस काफ़ी के बीजों को पीस कर जो कॉफ़ी तैयार की जाती है, वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है। चुनांचे जकार्ता में अमीर लोग उस काफ़ी को बड़े शौक से पीते हैं, और वो उन्हें एक प्याली $9 में मिलती है। इस तरह हमने ये दिलचस्प खबर इंडोनेशिया वाले मजमून में शामिल की, ताकि बच्चे उसे पढ़े। ये ऐसा इंसाइक्लोपीडिया नहीं जिसे पढ़कर एक तरफ रख दिया जाए, बल्कि ये तो तजुर्बात पर उकसाता, इल्म की प्यास को बुझाता और मजीद तहकीक पर आमादा करता है। अरबी पे काम कर रहे थे तो उस वक्त हमारे सामने एक बड़ा मसला ये था कि फराबी की गैसों के फैलाव के नज़रिए को बच्चों तक सादा और आम फहम अंदाज में किस तरह पहुंचाया जाए। गौर खोज के बाद हमने एक सादा सा तजर्बा दिया। इस तजर्बे में हमने बताया कि बच्चे कतार बनाकर बैठ जाएं, थोड़ा सा गैप रख लें और अपनी आंखें बंद कर लें। कतार के एक सिरे पर सिरके की बोतल का ढक्कन खोल दिया जाए, और जैसे ही बच्चों को किसी किस्म की खुशबू का एहसास हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर दें। अब जब ढक्कन खोला जाएगा तो बच्चे बारी बारी हाथ खड़ा कर देंगे। इस तजर्बे के जरिए बच्चों ने यह जान लिया कि असल खुशबू का एहसास हवा के मालिक्यूलों के जरिए उनकी नाक तक पहुंचता है। इसको गैसों की नफूज पजीरी या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हैं। यूं उन्होंने गैसों के फैलाव के नजरिए को एक सादा से तजर्बे के जरिए बेहतर अंदाज में समझ लिया। इसी तरह हमने छोटे छोटे दिलचस्प और आम फहम से तजर्बात दीगर इंसाइक्लोपीडिया में भी दिए हैं, जो बच्चों के लिए दिलचस्पी का बायस भी होते हैं और इसके जरिए वो बहुत कुछ सीख पाते हैं। आफाक इंसाइक्लोपीडिया में छपने वाले अल्फाज ही नहीं, इसकी तस्वीरें भी बोलती हैं। मेरे वतन के नौनिहालों से रोशन जहान कर दो, उजाला कर दो। एक एक तस्वीर बच्चों की नफसियात और जौक को मद्देनजर रखकर तख्लीक की गई है। बच्चा मुख्तसर सत्रों, रंगारंग तस्वीर और दिलचस्प मालूमात में खो जाता है। यूं बच्चों में मुताले का वो जौक पैदा होता है जो आफाक उनमें पैदा करना चाहता है। आफाक इंसाइक्लोपीडिया को डिजाइनिंग के एतबार से हमने इतना खूबसूरत, जज्बे नजर और दिलकश बना दिया है कि बच्चा जब उसको देखता है तो उसकी खूबसूरती से, उसकी दिलकशी से मुतासिर हुए बगैर रहता नहीं, और वो उसको बेख्तियार उठा लेता है। मवाद हमने इतने दिलचस्प अंदाज में पेश किया है कि जब वो उसको पढ़ना शुरू करता है तो वो उसमें खो जाता है, और जब तक वो उसको ख़त्म नहीं कर लेता वो उस वक्त तक छोड़ता नहीं है। यही इस इंसाइक्लोपीडिया की कामयाबी है। इब्तदा में हमने चार मौजूदात का इंतखाब किया है। ये चार मौजूदात हैवानात, इजादात, इस्लामी ममालिक और शख्सियात पर हैं। इन चार मौजूदात को तलाश करने की बुनियादी वजह यह थी कि इनमें देखा जाए कि बच्चों की दिलचस्पी कितनी है। मसलन हैवानात के मौजू में बच्चों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रहती है, और हैवानात के मौजू में हमने एक शुमारे में एक जानवर का इंतखाब किया। उस जानवर की हमने तारीफ भी बयान की है, उसकी खसूसियात भी बयान की हैं, उसकी आदात भी बयान की हैं। बच्चों को इन मालूमात के साथ साथ हमने ये भी बताने की कोशिश की है
کہ یہ جانور مثلا ہاتھی کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے ذریعے ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جانور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے رہنا چاہیے. دوسرا اہم موضوع ایجادات ہیں. ایجادات کا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ایجادات کے بارے میں پڑھیں, یہ ایجادات کب ہوئی, اس کی تاریخ کیا تھی, اس کے ذریعے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا, اور اس کو پڑھنے کے نتیجے میں ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ وہ بھی اپنی کوئی ایجادات جو ہیں وہ لے کر آئیں. ایجادات کے بعد جو تیسرا اہم موضوع ہے وہ اسلامی مالک ہے. اسلامی مالک کے بارے میں ہم نے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے, اس کی جغرافیہ کیا ہے, اس کے اہم شہر کون سے ہیں, وہاں رسم و رواج کیا ہے, کھانا پینا کیا ہے, اور اسلامی مالک کے بارے میں جاننے کے نتیجے میں بچہ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا حصہ سمجھے گا اور اپنے آپ کو گروہوں میں اور علاقوں میں نہیں بانٹے گا. ملت اسلامیہ کی تاریخ بتانے کے بعد جو ایک اور اہم موضوع ہم نے چنا ہے وہ شخصیات ہیں, اور شخصیات میں بھی جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ مسلمان سائنسدان ہیں. ہم بچوں کو مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے بتانا چاہتے ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, ان کی جو ایجادات ہیں اسے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تاکہ ان بچوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی سے دلچسپی پیدا ہو. مثلا ہم نے جابر بن حیان کا ایک موضوع چنا ہے جس میں ہم جابر بن حیان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جابر بن حیان جہاں پہلا دنیا کا ایکسپریمنٹل کیمسٹ تھا, وہیں جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد بھی تھا, وہ اس کو دین سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے تھی. کلاس 9 سے ہم جابر بن حیان کے بارے میں پڑھ تو رہے تھے, ہم نے خود بھی پڑھا, اس کو لرن بھی کیا, بچوں کو بھی پڑھایا اور ان سے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں, لیکن وہ اتنا انٹرسٹنگ فرسٹ ٹائم میں نے اپنی لائف میں اس طرح ویژولی دیکھا. اور یہ انسائیکلوپیڈیا آفاق والوں کی جو ہے یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ انہوں نے کیمسٹری جیسے ایک خوش سبجیکٹ کو بھی ایسا پیش کیا ہے کہ بچے اس میں انٹرسٹ بھی لیں گے, جابر بن حیان کے بارے میں لرن کریں گے, اور اس کو ایسے پیش کیا ہے کہ واقعی ایک جیتا جاگتا انسان ہے اور اس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں ایز پارٹ آف آور کلچر. ان چار موضوعات کے جو ہیں جس کو ہم نے چنا ہے یہ دنیا کی 7 زبانوں میں شائع ہوگا, اور دنیا میں 7 زبانیں جس میں یہ شائع ہوگا اس میں انگریزی, اردو, عربک, جرمن, نارویجین, سنالی اور تامل زبان شامل ہے. پاکستان اور امت مسلمہ کے روشن مستقبل کے لیے آفاق انسائیکلوپیڈیا کو ہر طالب علم تک پہنچانا ہے, کیونکہ علم ہی وہ زیور ہے جس سے آراستہ ہو کر مسلمان دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے. میرے وطن کے نونہالوں علم سے روشن جہان کر دو, اجالا کر دو. پھر وہ دن بھی دور نہ ہوگا جب اقبال کے شاہین ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہوں گے. میرے وطن کے نونہالوں علم سے روشن جہان کر دو, اجالا کر دو.